तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो ड्रीम इलेवन स्पाइस इसलिए टी10 लीग है इसका भाई आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई 15वां मैच जो कि खेला जाएगा जिंजर जनरल्स वर्सेज बे लीफ ब्लास्टर्स के बीच में। तो दोनों ही टीम्स की भाई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही साथ भाई इस मैच में आपकी जैकपॉट विनिंग होने वाली है इस चीज़ की गारंटी मेरी है। लेकिन आपको भाई वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं अभी हम जो भी बात करेंगे इस मैच से रिलेटेड वो सिर्फ भाई एक बतौर डेमो टीम बात करेंगे। फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी के अभी आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले भाई बता दूं कल जो इस टूर्नामेंट का लास्ट मैच खेला गया था वो भी भाई सेम इन दोनों टीम्स के बीच खेला गया था और वहां पर भाई बे लीफ ब्लास्टर इजिली काफी बड़े स्कोर को डिफेंड मतलब चेज कर गया था और भाई काफी बड़ा स्कोर था फिर भी भाई टीम चेज कर गई थी। तो आप मान सकते हो कि बे लीफ ब्लास्टर का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा यहाँ पर जिंजर जनरल्स के अगेंस्ट में। तो चलिए भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है। एक तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है भाई आप डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली सर्च करना है @ और KPM321। जैसे आप ये डालोगे भाई आपको हमारा चैनल यहाँ पर शो हो जाएगा। इस चैनल पर भाई आपको जाके ज्वाइन हो जाना है। यहीं पर भाई मैं आपको फाइनल टीम देने वाला हूँ। तो जल्दी से भाई अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार मैं आपके लिए यहां पर प्रॉफिट करवाता रहता हूं। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहां पर इस मैच के बारे में। तो यहां पर अगर बात करें टाइमिंग की तो 9:15 पर मैच खेला जाएगा। अभी 7:40 हो चुके हैं यानी कि 1:35 अभी मैच स्टार्ट होने में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं 1:35 यहाँ पर मैच स्टार्ट होने में जरूर है बट आपको जब वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 1 घंटा बचेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना अगर आपको इस मैच में विनिंग करनी है। तो कल भी भाई जो इन दोनों टीम्स के बीच मैच खेला गया था एकदम अल्ट्रा क्लीनशिप गया था। रिजल्ट आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पर टीम के हिसाब से। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो भाई वेन्यू यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। और यहाँ पर एक चीज बता दूं देखिए यहाँ पर भाई मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पर भाई जो 12 मैच अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी भाई यहाँ पर कितने मैच कंप्लीट हुए 12 ही मैच कंप्लीट हो भाई ठीक है। एक मिनट भाई मैं एक बार दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई 13 मैच यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 14वां मैच खेला जा रहा है 15वें मैच की मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। 13 मैच में से भाई आप यहाँ पर क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि पिच है वो कितनी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले भाई बॉलिंग करना चाहेगी और जो भी टीम टॉस जीतेगी भाई उसी के फेवर में हमें टीम यहाँ से बनानी है। तो टॉस का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और टॉस के बाद जो टीम में चेंजेस होंगे ना उनके अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यहाँ पर अगर वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 13 मैच में से सिर्फ 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन की है और 10 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। इसके अलावा अगर टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो जीजी की टीम है जिंजर जनरल्स की टीम यहाँ पर भाई ये लगातार लास्ट के 2 मैच हार चुके लेकिन भाई स्टार्टिंग के दोनों मैच विन करके आए थे। वहीं अगर बात करें बे लीफ ब्लास्टर्स की तो भाई 5 मैच में से सिर्फ अभी 1 मैच इन्होंने लॉस किया 4 मैच जीते और भाई अभी टेबल टॉप कर रहे हैं ठीक है। वहीं अगर बात करें टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक बार आप यहाँ से फिर से देख लीजिए क्योंकि क्या काफी बार क्या होता है कि लिंक वर्क नहीं करता तो आप डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर एवरेज स्कोर की तो 90 से 120 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। पिच की अगर बात करें तो भाई बैलेंस्ड विकेट ये रहेगी यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूँ थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़्यादा हेल्प रहेगी बैट्समैन के लिए क्योंकि भाई यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो नहीं है विकेट तो बैलेंस है लेकिन भाई ये बैटिंग फ्रेंडली बन जाती है क्यों क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज काफ़ी शॉर्ट है। तो अगर एक बार बैट्समैन की हिटिंग सक्सेसफुल हो गई 1-2 शॉट लग गए उसके बाद वो कंटिन्यू हिटिंग करता चला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेदर की बात करें तो भाई वेदर अभी पार्शियली क्लाउडी है लेकिन अगर हाईली क्लाउडी रहेगा ना तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा या फिर अगर बारिश वारिश के चांसेस रहे तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। उस कंडीशन में भाई टीम जो पहले बॉलिंग करेगी ना वही भाई यहां पर विन करेगी ठीक है। यानी कि पहले बैटिंग करने वाली टीम यहां पर विन सॉरी जो टीम पहले हाँ मतलब फिर तो भाई पहले बॉलिंग करने वाली टीम ही विन करे क्योंकि पेसर्स को फिर और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के बीच जो लास्ट का मैच खेला गया था उसकी एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हो जो बे लीफ ब्लास्टर्स की टीम विन करके आई थी पहले भाई जिंजर जनरल्स की बैटिंग आई थी वहाँ पर भाई रोनाल्ड काटो जो हमारे वीसी थे इन्होंने भाई 66 रन बनाए। इसके अलावा जोनामन मेरिन इनका सिलेक्शन आप देखना 11-12% था और ये भाई आपके भाई की टीम में था एक तरफा विनिंग हमारी इसी वजह से हुई थी ठीक है। यहाँ पर सभी भाई केमानी मेलिस के साथ गए हमने भाई जेनेमन मेरिया को ट्राई किया था एक तरफा विनिंग भाई यहाँ पर हमारी हो गई थी। मैकडोनाल्ड डेनियल की बात करें तो भाई बैटिंग करने आए थे लेकिन एक भी बॉल खेलने को नहीं मिली। वहीं अगर बात करें बे लीफ ब्लास्टर्स की तो सिर्फ भाई
यहां पर ये 9 ओवर में विन करके चले गए। जो हमारे कैप्टन थे केवी मोर्जे, यहां पर आप देख सकते हो 62 रन बनाए, 37 रन बनाए भाई यहां पर डेवन स्मिथ ने। इसके अलावा जो सेंट निकोजी हिलेरी, इन्होंने भाई 8 बॉल पर 18 रन बनाए। इसके अलावा नीचे अगर आप बात करें तो जो जेरलानी रॉबिन्सन, इन्होंने 6 बॉल पर 8 रन बनाए थे। यहां पर अगर बात करें बॉलिंग की, तो अगर बात करें यहां पर जिंजर जनरल्स की तरफ से, तो यहां पर भाई 2 विकेट निकाले थे रेड हेड निकालस ने। इसके अलावा 1 विकेट निकाला था भाई यहां पर, सॉरी भाई, जिन भाई को नहीं पता भाई, तबीयत मेरी ख़राब है तो थोड़ा बीच बीच में गला कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर भाई 1 विकेट निकाला था जावेल सेंट पोल ने। लेकिन इस मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट गेंदबाज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए रेड हेड निकोलस इंपॉर्टेंट है, मैकडोनाल्ड डेनियल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि लास्ट मैच में बहुत महंगे साबित हुए थे। इसके अलावा कीमो पीटर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन 3 गेंदबाजों को बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलना। अगर बात करें यहाँ पर जो बॉलिंग रही थी यहाँ पर भाई वेलिफ ब्लास्टर्स की, तो यहाँ पर भाई केविन मोर्जे ने 2 ओवर डाले, विकेटलेस गए। ओपनिंग कर रहा भाई 2 ओवर डाल रहा, इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। सीवीसी के लिए आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन यहां पर होने वाला है, ठीक है। नेलोन पास्कल की बात करें तो भाई 2 ओवर डाले, सिर्फ 8 रन दिए, मतलब जब सामने वाली टीम 10 ओवर में भाई यहां पर 134 रन बना रही है, उस कंडीशन में एक बॉलर आता है जो 2 ओवर में सिर्फ 8 रन देता है, तो आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक गेंदबाजी इन्होंने करवाई थी। वहीं अगर बात करें एबिकल डेबसिटे की, तो 1 विकेट इन्होंने निकाला, 1 विकेट भाई रिचर्ड रोजर्स ने निकाला था। शार्मन लेविस हालांकि इस मैच में विकेटलेस गए, लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज यहां पर होने वाले हैं। अब चले भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, डेमो टीम मैं आपको अभी बना के दिखा रहा हूं, बट फाइनल टीम आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च आपको क्या करना है भाई, @ आपको लगाकर KPM और भाई 321 ये आपको सिंपली सर्च कर लेना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए भाई यहां पर डेमो टीम की बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो भाई एस चार्ल्स काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, डेनिस स्मिथ ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर बात करें ऐसे डेवन स्मिथ मस्ट बी प्लेयर रहेंगे, रोनाल्ड काटो को हम अपनी टीम में रखें लेके चलेंगे। यहाँ पर एन सेंट हिलेरी की बात करें तो भाई आपके लिए गजब के पिक रहेंगे, लेकिन भाई अभी के लिए मैं ऐसे नीचे केवाली मेलिनस के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई और प्लेयर काफी बड़ा है, तो इस मैच में परफॉर्मेंस आने के ज्यादा चांसेज रहेंगे। तो अगर आप चाहो तो केवाली मेलिनस की जगह आप निकोलस सेंट हिलेरी के साथ जा सकते हो। यहाँ पर भाई एम डोनाल्ड डेनियल हमारी टीम में रहेंगे, केविन मोर्जे हमारी टीम में रहेंगे, इसके अलावा नीचे जे मेरी हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो AWCT को ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर रिचर्ड रोजर्स को ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ से आर निकोलस को अपनी टीम में ले रहा हूँ। इसके अलावा भाई नेलोन पास्कल को मैं अपनी टीम में रखूंगा और यहाँ से 3 गेंदबाज मैंने ट्राई कर लिया। अब यहाँ पर आप शार्लोन लेविस को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा आप ऑलराउंडर सेक्शन में AWCT को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भाई ट्राई कर सकते हो एन सेंट हिलेरी को। ये 3 ऑप्शन है। मेरा जो फाइनल प्लेयर होगा वो भाई मैं टॉस के बाद जो फाइनल टीम में अपडेट करूंगा टेलीग्राम चैनल पर उसमें बता दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए मैं एन सेंट हिलेरी के साथ जा रहा हूं, बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। सीवीसी की बात करें तो भाई केविन मोर्जे 100% कैप्टन रहेंगे। वीसी की बात करें तो भाई रोनाल्ड काटो को आप बना सकते हो या फिर डेवन स्मिथ को बना सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जेम एरिया है भाई, कभी कभी बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो आप इसको भी वीसी ट्राई करके चल सकते हो, बट अभी के लिए मैं काटो के साथ जा रहा हूं। फाइनल वीसी भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। अभी के लिए अगर बात करें प्रीव्यू की, तो टीम आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की टीम हमारी रहने वाली है, ऑलमोस्ट यही टीम रहेगी। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होगा ना, तो उसकी अपडेट डायरेक्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा भाई आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, सर्च आपको क्या करना है वो भी आपको बता देता हूं, @KPM321 जैसे ही आप सर्च करोगे आपको हमारा चैनल यहां से शो हो जाएगा, तो इस चैनल पर जाकर आपको जुड़ जाना है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैच से पहले मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।